हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी, वेलकम टू माय चैनल। तो आज लेकर हम नई रेसिपी, और आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही सिंपल तरीके से झाल मूरी। काफ़ी टेस्टी होने वाली है फ्रेंड्स। मैं अपने तरीके से आपको बताऊंगी मैं कैसे बनाती हूँ। मैं अक्सर इसी तरीके से बनाती हूँ तो मुझे बहुत टेस्टी लगती है, तो इसलिए ये रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वाली रेसिपी पसंद आएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा बात ना करते हुए बनाना स्टार्ट करते हैं। आज हम बना रहे हैं झाल मूरी, बहुत ही टेस्टी और अपने तरीके से। तो उसके लिए मैंने क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लिए आपको एक बार वो बता देती हूँ। ये मुरमुरे जो नॉर्मली शॉप पे मिल जाते हैं, और ये मैंने थोड़ा सा चाट मसाला लिया है, बारीक कटे हुए टमाटर लिए हैं, थोड़ा सा बारीक कटी हुई हरी मिर्च ली है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं मिर्च को। ये मैंने लिया बारीक कटा हुआ प्याज, एक मैंने नींबू लिया है, इसकी जरूरत हमें पड़ेगी। साथ में मैंने कुछ नमकीन और चिप्स मिक्स लिए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने ये मसाला चिप्स लिया है, थोड़ा सा मैंने प्लेन नमकीन ली है, ये मैंने पीनट वाली नमकीन ली है, और ये मैंने आलू भुजिया ली है। साथ में सरसों का तेल लिया है, क्योंकि झाल मुरी में सरसों का तेल डलता है, उससे काफी अच्छा टेस्ट आता है। और ये मैंने सरसों का जो तेल लिया, इसको मैंने पहले अच्छे से गर्म किया और फिर इसको मैंने ठंडा किया है, क्योंकि कच्ची धानी का जो तेल होता है उसमें काफ़ी स्मेल होती है, बहुत तेज लगता है तेल। तो पहले आप उसे गर्म कर लें अच्छे से, उसके बाद आप उसे ठंडा करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले हम कढ़ाई को अच्छे से गर्म कर लेंगे, और इसमें हम मुरमुरे डालेंगे, क्योंकि थोड़े से मतलब सौते होते हैं, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। तो इसको क्रिस्पी करने के लिए हम थोड़ा सा इसे 1 से 1.5 मिनट के लिए इसी तरह से लगातार चलाते हुए अच्छे से सेक लेंगे। गैस की फ्लेम हमें मीडियम रखनी है, हाई पे बिल्कुल नहीं रखनी, नहीं तो एकदम जल सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट हमें इसे सेकना, ज़्यादा नहीं। फ्रेंड्स, 1 मिनट हो गए हैं, इसे लगातार इसी तरह से मैं चला रही हूँ, और काफ़ी अच्छी तरह से क्रिस्पी और भून चुके हैं। आप देख सकते हैं इनकी आवाज़, और ये देखिए काफ़ी अच्छे से भून गए। तो मैं गैस की फ्लेम ऑफ कर दूँगी, थोड़ा सा हम इसे ठंडा होने देंगे, बिल्कुल गर्म नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। फ्रेंड्स, मुरमुरे हमारे ठंडे हो चुके हैं, तो इसमें मैं डालूँगी पहले सरसों का तेल, इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मैं डाल रही हूँ मिर्च, बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटा हुआ टमाटर, और अब मैं इसमें नमकीन ऐड कर रही हूँ। और चिप्स को हम थोड़ा सा क्रश करके डालेंगे, क्योंकि साबुत है तो थोड़ा सा क्रश करेंगे इस तरीके से। नमकीन आप अपनी पसंद की कोई सी भी डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो, ऐसा नहीं है आपको यही वाली नमकीन डालनी है। और अब हम इसमें डालेंगे ऊपर से थोड़ा सा चाट मसाला। चाट मसाला के बाद हम इसमें आधा नींबू का रस डालेंगे। नींबू के दाने जो होते हैं उसे ध्यान से निकाल लीजिएगा, इसमें जो नींबू के दाने चले जाते हैं उसे आप ध्यान से निकालिएगा, क्योंकि खाने में ये आते हैं तो बहुत कड़वे लगते हैं, तो उसका टेस्ट बिल्कुल चेंज हो जाता है। और अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से झाल मूरी खाने में काफ़ी टेस्टी लगते हैं, आपका जब भी मन करे शाम की चाय के साथ या शाम के टाइम, काफ़ी टेस्टी लगते हैं खाने में, और बहुत ही इजी बन भी जाती है। और फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं झाल मुरी हमारी रेडी हो चुकी है, बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स, ये वाली रेसिपी आपको पसंद आई होगी, क्योंकि बहुत सिंपल रेसिपी है। बस मैंने इसे थोड़ा सा अपने तरीके से आपको बताया, जैसे कि इसमें चिप्स ऐड नहीं होते, मैंने इसमें चिप्स ऐड करके बताया, इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स, आपको ये वाली रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें एंड शेयर करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।